तो आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में आपका साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला, यहाँ का डेमोग्राफी बहुत रफ्तार में चेंज होते जा रहा है। और लेकिन बहुत सारा हम लोग के आवाज उठाने के बाद भी ये सरकार ने उनको संज्ञान नहीं लिया और एक तरफ से हम समझते हैं ये सरकार वहां के लोगों का एक तो एक वोट बैंक वोट का वोट बैंक बनाना चाहती है और वोट बैंक बनाने ही रहता अभी तक। अभी बहुत जगह आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठी जमीन जमीन को लेकर के चलती उस पर आदिवासी लोग करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी लोग सीधे मारपीट पर उत्पाद हो जाते हैं। आप लोग का उदाहरण आप लोगों को सामने महिलाओं को पीटा गया, सिर रोड़ दिया गया, हॉस्पिटलाइज हुए लोग, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज तक उसमें तैयार भी नहीं। तो आज गुरु जी अपने जीते जिंदगी जो सोचे थे आप दुर्गति पर जा रहे थे वो भी देख रहे। और इसीलिए आज यहां बांग्लादेशी घुस में त्याग करके आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथियार है और चाहे वो पंचायत में मुखिया का पद हो मुखिया बन रही साथ साथ जिला परिषद अध्यक्ष भी बन रहे हैं प्रको भी बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है और इस तरह से अगर इस पर हम लोग नजरअंदाज करके चलेंगे तो यहाँ निश्चित तौर पर यहाँ आदिवासी पूर्ववासी को धीरे धीरे भागना पड़ेगा। तो इसी स्थिति में हमने ये सोचा कि आप ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये झारखंड संवरने वाला नहीं बचने वाला नहीं है और इसलिए हमने हमारे देश की प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए और हमारे यहाँ गृह मंत्री माननीय अमित शाह पर विश्वास जताते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करूंगा और इस झारखंड को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को अपना हक हम लोग कैसे दिलाएंगे, इस पर हम लोग सारे लोग मिलकर के काम करेंगे और इस झारखंड को बचाने का काम करेंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।